क्या आप भी वक्त से पहले अपने बालों को सफेद होता देखकर परेशान हैं? क्या आपको भी लगता है कि काश कोई मैजिकल थेरेपी होती जिससे आपके सफेद बाल रिवर्स हो जाते? काश। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जनरली हमारे यंग एज में हमारे हेयर कलर ब्लैक, ब्राउन एंड कुछ केसेस में गोल्डन भी होते हैं। पर्टिकुलरली जैसे जैसे आप अपने 30s के करीब पहुंचेंगे, आपको ये सफेद बालों का प्रॉब्लम और ज्यादा कॉमनली दिखेगा। ये नॉर्मल है, बट आज के जनरेशन को वाइट हेयर का प्रॉब्लम 30s में नहीं बल्कि अर्ली 20s में ही दिखने लगता है। ये अननेचुरल है एंड इसी फोकस पे आज का ये पूरा वीडियो है। हम सबकी बॉडी में हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो एक तरह से स्किन सेल्स के पॉकेट जैसे होते हैं। हेयर फॉलिकल्स में एक मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है जो हमारे हेयर को कलर देता है, पर टाइम के साथ आप इस पिगमेंट को लूज करने लगते हैं जिससे आपके बाल वाइट दिखने लगते हैं। हेयर फॉलिकल्स पे अफेक्ट ही वाइट हेयर का मेन रीजन है, पर इन फॉलिकल्स पे अफेक्ट तरह तरह के कॉजेस की वजह से होता है। तो चलिए इसका सबसे कॉमन कॉजेस पता करते हैं। चलो, बालों के एक्चुअल कलर एंड बालों के वक्त से पहले सफेद होने का, इन दोनों केसेस में आपका जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप अर्ली एज में ही व्हाइट हेयर को नोटिस करने लगे हैं, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को उनके अर्ली एज में ही व्हाइट हेयर का प्रॉब्लम शायद रह चुका हो। मतलब ये इशू आपके खानदान में जेनेटिक की वजह से है। अगर ये इशू जेनेटिक में है तो ये जनरेशन से ही आपके फैमिली में चलता आ रहा होगा। आप अपने जेनेटिक्स को चेंज तो नहीं कर सकते, जिस वजह से इस केस में व्हाइट हेयर को रिवर्स करने का कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। पर हाँ, आप अपने हेयर कलर को जरूर चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग सम नेचुरल सॉल्यूशन लाइक ब्लैक टी एंड हिना या मेहंदी। जेनेटिक व्हाइट हेयर होने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक्टर नेहा धूपिया। उनका एक हेयर स्टैंड उनके बचपन से ही व्हाइट कलर का है। इनफैक्ट नेहा मेक्स इट अ पॉइंट ऑफ नॉट कलरिंग दैट स्ट्रीक ऑफ हेयर even when she has a multiple hairstyle and hair colors experimented on her hair. हम सबके लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस रहता है, चाहे आप स्कूल जाओ या ऑफिस। स्ट्रेस से भी आपके बालों पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो अपने टर्म में एजेड एंड उनके व्हाइट हेयर्स दिखने लगते हैं। इट्स ऑल स्ट्रेस। सेंचुरीज से हमें ये स्टोरी बताई जाती है कि कैसे स्ट्रेस लेने से लोगों के बाल प्रीमेच्योरली वाइट हो जाते हैं, पर अब 2020 में हार्वर्ड रिसर्चर ने इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढ लिया है। स्ट्रेस की वजह से अचानक ही रैपिडली बालों का सफेद हो जाने को मैरी एंटोनेट सिंड्रोम कहते हैं। बालों के वक्त से पहले सफेद होने के सिंड्रोम को पर्टिकुलरली इस नाम से क्यों बुलाया जाता है, इसके पीछे एक बहुत ही डरावनी कहानी है। मैरी एंटोनेट फ्रांस की बहुत बड़ी रानी थी, लेकिन लेजेंड्स कहते हैं कि जब उन्हें बहुत बड़े रेवोल्यूशन के बाद पद से उतारा जा रहा था एंड उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, तो जिस दिन उनको पब्लिकली सर काट के मारने वाले थे, उससे पिछली रात को अपना ये हाल सोच सोच के उनके सारे बाल एक ही रात में सफेद हो गए थे। इसलिए स्ट्रेस की वजह से बाल सफेद होने पर इसे मैरी एंटोनेट सिंड्रोम कहा जाता है। बट आपके डेली वर्क का स्ट्रेस या लाइफ का स्ट्रेस से आपके बाल धीरे धीरे सफेद होते हैं। यहाँ मैरी एंटोनेट सिंड्रोम में सारे बालों का अचानक सफेद हो जाना सडन एंड एक्सट्रीम स्ट्रेस के इफेक्ट से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, 1902 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक बहुत ही स्ट्रेंज केस पब्लिश किया गया। इस केस में एक 22 साल की लड़की ने अपने सामने एक मर्डर होते देख लिया। उस लड़की की आंखों के सामने विक्टिम का गला काट दिया गया, फिर वो विक्टिम 22 साल की लड़की के बिल्कुल पैरों के सामने गिर के मर गया। दूसरे दिन उस 22 साल की लड़की को डॉक्टर के पास जाना पड़ा क्योंकि रातों रात उसके प्यूबिक हेयर का हाफ पार्ट व्हाइट हो गया एंड हाफ पार्ट ब्लैक रह गया। इस केस को उस वक्त लंदन टेम्परेंस हॉस्पिटल के डॉक्टर को ट्रीट करना था। ये इतना स्ट्रेंज केस था कि इसे कंट्री की लीडिंग मेडिकल जर्नल में पब्लिश भी किया गया। ऐसा ही एक केस कलकत्ता के लीडिंग मेडिकल कॉलेज में भी देखा गया था। उस केस में अर्ली 80s में उस कॉलेज के
सीनियर ने एक फ्रेशर को रैगिंग करने का एक बहुत ही हॉरिबल तरीका सोचा। उन्होंने फ्रेशर को एक कमरे में बंद कर दिया जिसमें उन्होंने पहले ही एक कैडावर यानी ऐसी डेड बॉडी को रखा हुआ था जिसको मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए कॉलेज को डोनेट किया गया था। जब सुबह फ्रेशर को उस कमरे से निकाला गया तो वो लड़की डर के मारे ऑलमोस्ट पागल सी हो गई थी एंड उसके सर के सारे बाल सफेद हो गए थे। ये केस उस वक्त सारे रीजनल न्यूज मीडिया ने कवर किया था, पर क्योंकि ये बात एक लीडिंग मेडिकल कॉलेज की इज्जत पे थी तो पॉलिटिकल प्रेशर देके इस स्टोरी को न्यूज में दबा दिया गया था। बट आज भी आप अगर ऑनलाइन ढूंढे तो कुछ रीजनल पेपर की कवरेज आपको अभी भी ऑनलाइन मिल जाएगी। स्ट्रेस से बालों पे इस एक्सट्रीम असर को हार्वर्ड रिसर्चर ने वंस एंड फॉर ऑल टेस्ट करना चाहा एंड 2020 में दोबारा उन्होंने इस पे स्टडी कंडक्ट किया। माइस जब ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं तो उन्हें भी मैरी एंटोनेट सिंड्रोम हो जाता है, इसलिए हार्वर्ड रिसर्चर ने उन पे स्टडी किया कि कैसे स्ट्रेस लेने से परमानेंट लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट हो जाता है। हार्वर्ड स्टेम सेल साइंटिस्ट याची सू ने एक स्टडी कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने पाया कि इस पूरे सिंड्रोम का मेन कल्प्रिट है स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जो डायरेक्ट हमारे हेयर पिगमेंट को ही मार देता है। जब हम इतने स्ट्रेस में होते हैं कि हमारे बॉडी में फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स ट्रिगर हो तो इस एक्यूट स्ट्रेस से हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। इस वजह से हमारे हेयर फॉलिकल के स्टेम सेल्स मरने लगते हैं जिससे हेयर पिगमेंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है एंड डायरेक्टली हमारे बाल सफेद होने लगते हैं। नो पिगमेंट सेल्स इक्वल्स टू नो मोर हेयर कलर। दिस पेपर फ्रॉम हार्वर्ड इज जस्ट आउट इन नेचर जनरल इन 2020। क्या आपको पता है कि स्मोकिंग आपके हेल्थ के साथ साथ आपके बालों पर भी असर करती है? आयाम ए जायद एंड अवनी दी शाहिद ने 2013 में एक रिसर्च कंडक्ट किया जिसके रिजल्ट उन्होंने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जर्नल में भी पब्लिश किए। इस रिसर्च का मेन एम ये था कि स्मोकिंग और प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के बीच का डायरेक्ट कनेक्शन को प्रूव किया जाए। इसके लिए एक नॉन क्लिनिक सेटिंग में 207 पार्टिसिपेंट पे स्टडी कंडक्ट किया जिसमें उन्हें दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक ग्रुप में प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग एंड दूसरे ग्रुप में नॉर्मल हेयर ग्रेइंग। इन पार्टिसिपेंट से इंटरव्यू क्वेश्चनर के हिसाब से डेटा कलेक्ट किया गया, साथ ही उनके बीएमआई, वेस्ट सर्कमफ्रेंस और ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर जैसे वाइटल्स भी मेजर किए गए। 207 सब्जेक्ट्स में से 104 लोगों में ही 30 ईयर के पहले ही व्हाइट हेयर का अपीयरेंस हो चुका था एंड इसलिए उन्हें प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। इस ग्रुप में दूसरे ग्रुप के मुकाबले स्मोकर्स की गिनती ज्यादा थी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मेथड से काउंट करने से ये पता चला कि स्मोकर्स में व्हाइट हेयर होने के चांसेस नॉन स्मोकर के मुकाबले ऑलमोस्ट 2.5 times ज्यादा थे। हम सभी को ये अच्छे से पता है कि स्मोकिंग से हार्ट, लंग्स और हेयर्स पर भी काफी असर पड़ता है। एक्चुअली में स्मोकिंग आपके ब्लड वेसल्स को दबा देता है या पार्शली ब्लॉक कर देता है जिससे अगेन हेयर फॉलिकल्स में ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से हमारा हेयर लॉस होने लगता है और हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट्स भी इसी वजह से कम होने लगता है जिससे व्हाइट हेयर का प्रॉब्लम होता है। अनफॉर्चुनेटली अगर स्मोकिंग, जेनेटिक्स या स्ट्रेस की वजह से आपको व्हाइट हेयर हुए है तो अब तक ऐसा कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं आया है जिससे पिगमेंटेशन रिटर्न हो जाए आफ्टर क्विटिंग स्मोकिंग या रिड्यूसिंग स्ट्रेस। एंड अगर कोई आपको ये कह रहा है कि वो आपके बाल ब्लैक कर देगा तो शायद उसे इन रिसर्चर से ज्यादा नॉलेज होगी। लेकिन कॉमन सेंस यही कहता है कि अगर आप अपनी लाइफ में स्मोकिंग को कंट्रोल करें या स्ट्रेस को बेटर हैंडल करें तो इससे आपकी लाइफ में आपकी ब्लड फ्लो नॉर्मल होने लगेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि स्मोकिंग छोड़ो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट उसको कंट्रोल करो, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो छोड़ोगे तो नहीं। आप इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट तो होंगे ही, पर आपके बालों के हेयर फॉलिकल्स में प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा जिससे डेफिनेटली ओवरऑल हेयर हेल्थ, शाइन एंड हेयर थिकनेस भी इम्प्रूव होगी। लेकिन क्या व्हाइट हेयर का कंडीशन किसी केस में रिवर्स हो सकता है? द आंसर इज यस। कुछ स्पेशल केसेस में व्हाइट हेयर का कंडीशन पूरी तरह से रिवर्स भी हो सकता है। डोंट वरी, एज यू नो बिना एविडेंस के मैं कुछ नहीं कहता एंड व्हाइट हेयर के स्पेसिफिक ऐसे रीजन जो रिवर्सेबल है। सो इस टॉपिक पे वीडियो विथ फुल साइंटिफिक प्रूफ विल बी माय वेरी नेक्स्ट वीडियो इन माय हेयर सीरीज। आई विल बी बैक विद द इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट। स्टे ट्यून्ड फॉर द फुल इन्फॉर्मेशन। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।